नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि गैर मजरुआ मालिक जमीन क्या होता है। तो दोस्तों, इसको जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, गैर मजरुआ जो होते हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वह होता है गैर मजरुआ आम, और एक होता है गैर मजरुआ खास। तो दोस्तों, ये तीसरा गैर मजरुआ मालिक ये कहां से आ गया? तो दोस्तों, इसी शब्द का लोगों के बीच कंफ्यूजन है। गैर मजरुआ खास को ही गैर मजरुआ मालिक कहते हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। गैर मजरुआ खास या गैर मजरुआ मालिक जमीन जो होता था वह जमींदारी प्रथा में जमींदार जो होते थे वो अपने सुख सुविधा के लिए रखते थे। जैसे चारागाह, पशु के लिए चारागाह के लिए रखते थे, मंदिर का जगह रखते थे। तो इस तरह के अन्य और भी जगह हैं जो अपने लाभ के लिए जमींदार रखते थे, और वह जमीन ही गैर मजरुआ खास कहलाए, जिसे गैर मजरुआ मालिक भी कहते हैं। तो शब्द का अंतर है, लोगों के बीच इसका कंफ्यूजन था। तो दोस्तों, समझ लीजिए कि गैर मजरुआ खास को ही गैर मजरुआ मालिक कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।